किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। रविशंकर प्रसाद बोले, जो हमने किया 2014 में वही करना चाहती थी कांग्रेस। राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कर रही है विरोध, बीजेपी बढ़ाना चाहती है किसानों की आय। किसान आंदोलन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है, कुछ दल भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को दिया अडानी अंबानी का नाम। ट्वीट में लिखा, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। कांग्रेस समेत 22 राजनीतिक दलों ने भारत बंद को दिया है समर्थन। इंतजामों का जायजा लेने के बहाने पार्टी नेताओं के साथ सिंधु बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। किसानों से की बात, कहा स्टेडियम में किसानों को कैद करना चाहती है केंद्र सरकार, हमारी वजह से नहीं हो पाएगा। केकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, सेवादार बनकर खाना बनाने में दिया साथ, किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना। भूपेंद्र हुड्डा ने आपातकालीन सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। पुलिस को चकमा देकर बदरपुर बॉर्डर पहुंचे कुछ किसान, सराय थाने में अज्ञात जगह पर लेकर गई फरीदाबाद पुलिस। पलवल में मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसानों ने लगाया हाईवे पर जाम, हजारों ट्रक फंसे। किसानों के समर्थन में खिलाड़ियों की अवार्ड वापसी मुहिम, 30 से ज्यादा खिलाड़ी लौटाएंगे सरकार को अवार्ड। बॉक्सर विजेंद्र ने किसानों के बीच जाकर कहा, रद्द नहीं हुए कानून तो खेल रत्न वापस कर दूंगा। किसान आंदोलन पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, किसानों ने जो जो बातें रखी हैं उसे सरकार ने अच्छे से सुना और बदलाव के लिए भी राजी है। 9 दिसंबर की बैठक में हल निकलने की उम्मीद है। जेजेपी पर निशाना साधते हुए दांगी ने कहा कि चौधरी देवीलाल किसान नेता थे, जेजेपी नेता कुर्सी के लालच में उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी, दर्जनों किसान 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने से किसानों का जत्था रवाना। भारत बंद के दौरान जिले में मंगलवार को पुलिस का पहरा सख्त रहने वाला है। जिले में कोई अप्रिय घटना न घटे इसको लेकर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से सटे इलाके में लगे बैरिकेडिंग पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन में चल रही किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सरकार पर दबाव बने, इसके लिए किसानों ने 8 दिसंबर को पूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं ने सुभाष चौक सहित विभिन्न बाजारों में जाकर दुकानदारों से ऐतिहासिक बंद में सहयोग की अपील की है। किसान संगठनों की 8 दिसंबर को भारत बंद का व्यापार मंडल पूरी तरह से समर्थन करता है। प्रदेश का व्यापारी 8 दिसंबर को जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार को जगाने का काम करेगा। चरखीदादरी में फौगाट खाप, सांगवान खाप और हवेली का चिड़िया खाप सहित व्यापारिक संगठन मिलकर एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। किसानों द्वारा भारत बंद के ऐलान पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पंप बंद करने का ऐलान किया है। पंप एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कल 8 दिसंबर को करनाल सहित हरियाणा भर के पंप बंद रहेंगे। 8 दिसंबर के किसान संगठनों के द्वारा घोषित भारत बंद को लेकर सतर्क हुई हरियाणा सरकार। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली सभी जिलों के उच्च अधिकारियों की बैठक। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी इस बार नगर निगम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी विकास कार्य करवाए हैं और अब आने वाले समय में भी बीजेपी विकास करवाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा लघु सचिवालय की साइट पर पहुंचे और कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के निवासी, कई राउंड फायरिंग के बाद हुई गिरफ्तारी। जुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर जुलाना के कच्चा बाईपास पर एक युवक को हथियार सहित दबोचा है। नूह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 2020 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कुल संक्रमितों में से 91 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 32,981 नए केस सामने आए हैं। 4 लाख से कम हुए कोरोना के एक्टिव मामले।
प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों,